मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमको एक और धन्य अवसर दिया कि हम इस तरह से इकट्ठे होकर अपना ध्यान प्रभु की तरफ लगाएं और प्रभु के वचन से आज हमको जो संदेश प्रभु देना चाहते हैं उस संदेश को ध्यान से सुने। जैसा मैंने इसके पहले कई बार याद दिलाया था, हम सब परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे क्या बोलती है ये देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में परमेश्वर के वचन बाइबल से हमने बहुत सारी बातें देखी थी, जिसमें लास्ट दो हफ्ते जो बातें मैंने बताई थी वो मैं जस्ट याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते से पहले मैंने ये बात याद दिलाई थी कि आज से काफ़ी लंबे समय पूर्व प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सूर्य और चंद्रमा की सृष्टि की, जानवरों की सृष्टि की, पौधे बनाए, बहुत ही सुंदर आकाश और पृथ्वी बनाई और उसके बाद मनुष्य की सृष्टि की। प्रभु ने ऐसा इसलिए किया कि प्रभु अपने बच्चों से, मैं और आप उसके उनके जो बच्चे हैं, हमसे असीमित प्रेम करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हमको जो चाहिए वो सब मिल सके। प्रभु ने इस तरह से सृष्टि करके अदन नाम की जगह पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस या बहुत बढ़िया बगिया बनाई, जिसमें हर तरह के आकर्षक से आकर्षक फल थे और वहाँ पुरुष और स्त्री को रखा, आदम और हव्वा को। लेकिन उनसे एक बात प्रभु ने जब उनसे कहा कि देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, सब कुछ तुम बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के खा सकते हो, लेकिन इस बगिया में एक पेड़ है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसको छोड़ देना। अरे जब सारी दुनिया के सारे फल तुमको मिल रहे हैं प्रभु के लगाए हुए बगिया में, तो इस एक फल को छोड़ने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, उसको हाथ मत लगाना। लेकिन मनुष्य को जैसे ही पहला अवसर मिला, उसने प्रभु ने जिस फल को मना किया था उसको खाया और वर्जित फल को खाने के द्वारा मनुष्य पापी हो गया। जैसा मैं 50 बार इस सभा में याद दिला चुका हूँ, बच्चों को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे अपने आप झूठ बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव है। लेकिन प्रभु ने मनुष्य से बोला था, मैं तुम्हारे पाप के लिए एक रास्ता खोलूंगा, और वो रास्ता प्रभु ने खोला, वो रास्ता तैयार किया प्रभु यीशु के द्वारा। ये सारी बातें हम इसके पहले सुन चुके हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको यह बात याद दिलाई थी कि आदम और हव्वा के दो बच्चे हुए थे, दो लड़के, बड़े का नाम था काइन, छोटे का नाम था हाबिल। प्रभु ने हर तरह से उनको अनुग्रह दिया। काइन बहुत ही बढ़िया खेती करने वाला बन गया, हाबिल जानवरों को पालने वाला बन गया। और इसके बाद क्या हुआ? प्रभु हमको जो कुछ देते हैं उसमें से एक हिस्सा प्रभु को वापस देना जरूरी है। काइन ने जो खेती की थी उसमें सबसे अच्छा पोर्शन प्रभु को लाके दिया, हाबिल के पास जो जानवर थे उसमें सबसे अच्छा पोर्शन लाके दिया। लेकिन हाबिल ने विश्वास के साथ प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने उसको ग्रहण किया। काइन ने विश्वास के साथ नहीं भेंट किया, जिसके कारण प्रभु ने उसको ग्रहण नहीं किया। और फाइनली उसका रिजल्ट, उसका फल क्या हुआ कि प्रभु ने मेरी गलती के कारण मेरे बलिदान को ग्रहण नहीं किया है, इस बात को मानने के बदले उसने भाई को ही ख़त्म कर दिया। मैंने लास्ट हफ्ते इसका उदाहरण बताया था कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी को कोई रगड़ गया, तो रगड़ा किसी और ने, गुस्से के कारण आप रास्ते में जो है 10 लोगों को टक्कर मार देते हैं। कैसी गजब बात है! ऐसा ही काइन ने किया। प्रभु ने पूछा, तूने क्या किया है? जिस भूमि ने तेरे भाई का खून पिया है वो तेरे विरुद्ध गवाही दे रही है। तो काइन प्रभु के सामने रोया, गिड़गिड़ाया। तब प्रभु ने कहा, ठीक है, मनुष्य पाप करता है
लेकिन यदि उसके मन में प्रायश्चित है तो मैं उसको क्षमा करूंगा, उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा। इसके बाद आदम और हव्वा के और भी बहुत सारे बेटे बेटियां हुई। वो मैं शुरू के ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस समय आदमी औरत बहुत स्वस्थ होते थे, 900 साल तक जो है उनकी ज़िंदगी होती थी। यदि मैं बोलूं कि आदम और हव्वा 900 साल तक जीवित रहे थे तो इसमें ताज्जुब ना माने, मेरे परदादा 103 साल की उम्र तक रहे थे और चश्मा नहीं लगाया, 100 साल की उम्र तक जो है वो 25 किलो का जाल कंधे पर डाल के वो नदी में जो है जाल डालने के लिए जाते थे। तो आज से हजारों साल पहले जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, वो कितना तंदुरुस्त होगा, कितना हेल्दी होगा, 900 साल तक रहा तो कितने सारे बच्चे बच्चियां हुई होंगी। और इस तरह से मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत अधिक बढ़ने लगा और कुछ हजारों साल में उनकी संख्या लाखों में हो गई। बल्कि हम कैलकुलेट करके देखें तो इस बात की संभावना है कि तब तक मनुष्यों की संख्या 10 लाख या करोड़ भी हो गई होगी। लेकिन एक गड़बड़ हो गया जिसको हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के 6वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिसको मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। समय मिलेगा तो घर जाकर आप इसको निश्चित रूप से पढ़ के चेक कर लीजिए कि मैंने आपको पढ़ के जो सुनाया था वो सही है या गलत है। 6वें अध्याय के पहले पद से हम इस तरह से पढ़ते हैं, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा, उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, जैसा मैंने बोला जो 900 साल तक रहेगा उस कितने बेटे बेटियां हुई होंगी और दो चार पीढ़ियों में क्या स्थिति हो गई होगी। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि सुंदर है और जिसने जिसको चाहा उससे ब्याह कर लिया। यह एक बात विशेष ध्यान दें, दो कैटेगरी के बारे में बताया है, एक तरफ परमेश्वर के पुत्र, दूसरी ओर मनुष्य की पुत्री। कुछ तो है इनमें अंतर, है ना? परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र से विवाह करना चाहिए, मनुष्य की पुत्रियों को मनुष्य के पुत्रों से विवाह करना। जरूर दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो आत्मिक जीवन में प्रभु के निकट थे, जो धर्मी लोग थे, दूसरे जो बस मनुष्य की उल्टी सीधी रीति पर चलते हैं, पाप में जीति रीति पर चलते हैं। इन दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। हमको हमारे जीवन में हमेशा ऐसे लोगों से संगति करनी चाहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती और फ्रेंडशिप करनी चाहिए जो हमारे समान प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु को जाना है। इवन विवाहित जीवन में हमको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, ऐसे मैरिज पार्टनर को ढूंढना चाहिए जो उस बात को मानता है या मानती है जो हमने मान लिया है, उस बात को जिसने उस नव जीवन को पाया है जो मैंने और आपने पाया है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही उल्टा, जो मेल नहीं है, इस तरह का विवाह हम देखते हैं। प्रभु का क्या जवाब था? प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से हमेशा वाद विवाद नहीं करेगा। देखिए, प्रभु सृष्टि से लेकर आज तक मनुष्य को जो कुछ चाहिए उन सारी चीजों का इंतजाम प्रभु ने किया है। जब प्रभु ने हमारी जरूरत की सारी चीजों का इंतजाम अपनी तरफ से किया है तो प्रभु हमसे एक बात की उम्मीद करते हैं, और वो उम्मीद ये है कि जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वे लोग पवित्र जीवन बिताएंगे, वे लोग ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा घनिष्ठता नहीं करेंगे जो प्रभु को नहीं जानते हैं। इसका क्या कारण है? बहुत आसान है। मान लीजिए कि आप बैठ के एक बर्तन में बहुत ही टेस्टी खीर पी रहे हैं या और भी कोई बढ़िया सी मिठाई खा रहे हैं, अचानक कमरे के एक हिस्से से एक कॉकरोच तिलचट्टा निकला और आपके प्लेट में से होते हुए जो है वो निकल गया, अब आप खा सकेंगे क्या उसको? नहीं। कॉकरोच
एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही घिनौने अंधेरे सड़े हुए एरिया में रहता है, उसका शरीर हर तरह की मलिनता से भरा हुआ है। अच्छा खासा आप खीर पी रहे थे, उसके बीच में से निकल गया, तो आप ये कहेंगे क्या कि बीच में से निकला है, बीच का खीर उठा के फेंक दो, उधर का और इधर का पी लो? नहीं, गंदगी जब भी अच्छी चीज के साथ मिक्स हो जाती है तो उसका रिजल्ट हमेशा गंदा होता है। अच्छी चीज गंदे को अच्छा नहीं बनाता है, बल्कि गंदी चीज हमेशा गंदे अच्छे को बुरा कर देता है। आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, जो प्रभु के साथ संगति में जीवन बिता रहा है, जिसका झुकाव पवित्रता की तरफ है और जिसका झुकाव पवित्रता की तरफ होना चाहिए, उसकी संगति भी एक ऐसे ही व्यक्ति से होनी चाहिए जिसका झुकाव पवित्रता की तरफ है। चाहे वो हमारा विवाहित जीवन हो, चाहे हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो, चाहे वो लोग हो जिनके साथ हम समय बिताना पसंद करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बच्चों को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता है, ये तो आप जानते हैं, मुझसे 50 बार सुन चुके हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि बच्चों को गाली देना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं। गंदे स्टेटमेंट वो जो एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे के सुन के सीख लेते हैं। माँ बाप को सिखाना नहीं पड़ता, बल्कि माँ बाप को तो मना करना पड़ता है कि बेटा अपन ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं। मैं तो एक ऐसे इलाके में पला था जहाँ पर एक वाक्य में 3 गाली देते हैं कम से कम। वहाँ तो बच्चों के आँख और कान और सब बंद करके रखना पड़ता था। क्यों? गंदगी हमेशा अच्छे को गंदा करती है। अपवित्र लोगों के साथ, अशुद्ध लोगों के साथ, जो लोग ईश्वर का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति हमेशा प्रभु के बच्चों के आत्मिक जीवन को खत्म कर देता है, उसको अशुद्ध कर देता है। उनकी वाणी हमारे कानों में नियमित रूप से यदि आए तो हमारे सोचने का तरीका बुरा हो जाता है। एकाध बार हमारे कान में आए ये अलग बात है, ये तो ऐसा तो हर एक के साथ होता है, लेकिन जब आप सुन रहे हैं कि उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं, गंदा है और कान उसी की तरफ दे रहे हैं, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकलता है, कान से वो सीधे ब्रेन में जाता है और वहाँ वो परमानेंटली बैठ जाता है, और कल को आप सोचेंगे तो आपकी सोच में वो शब्द और वो वाक्य आएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने परमेश्वर की पुत्रियों से विवाह करने के बदले जाकर मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। नहीं, ये गलत काम था। हर व्यक्ति को जो पवित्र है, जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उस व्यक्ति को ऐसे ही व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में जाना है, ग्रहण किया है। नहीं तो मेरा पति या मेरी पत्नी अपने व्यवहार के द्वारा मेरे जीवन को अपवित्र कर देगा, मेरे जीवन को खींचकर अच्छाई से बुराई की तरफ, प्रभु की ओर से, प्रभु के प्रति हमारा जो ध्यान है उस ध्यान से खींचकर हमको प्रभु के विरुद्ध ध्यान में ले जाएंगे। तो जब ये घटना हुई तो प्रभु बहुत नाराज हुए, प्रभु बहुत क्रोधित हुए। प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से हमेशा वाद विवाद नहीं कहेगा। 5वें पद में हम देखते हैं, प्रभु ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? अरे, जिसको जिसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए जब वो करेगा तो उसका स्वभाव तो बिगड़ेगा, और जब स्वभाव बिगड़ेगा तो बिगड़े स्वभाव के साथ वो अच्छा करेगा क्या? अच्छे आदमी को अच्छा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब भलाई करना अपने आप में एक कठिन कार्य है, और इवन जो अपने जीवन में भले हैं उन लोगों को जीवन में भला करना कई बार बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो जो भला है उसने आपको बुरे के साथ मिक्स कर लिया, सुबह से शाम तक उसकी बोली सुन रहे हैं, उसका नजरिया आपके दिमाग में आ रहा है, बुराई तो बढ़ेगी।
जैसा मैंने कहा, जो गंदी चीज है वो अच्छी चीज के साथ मिक्स होता है, तो अच्छी चीज उस गंदी चीज को अच्छा नहीं कर लेता है, बल्कि गंदी चीज उस अच्छी चीज को भी गंदा कर देता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रभु ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको हमारे जीवन में जिस तरह की बात सुननी नहीं चाहिए वैसी बात सुने, जिस तरह के व्यक्ति के साथ संगति नहीं करनी चाहिए वैसे व्यक्ति के साथ संगति करें, उसकी बोल वो जो बोल रहा है बोल रही है उसको सुने, नियमित रूप से उसके साथ संगति रखें, तो धीरे 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 हमारे मन की पवित्रता धीरे धीरे कम होने लगेगी और हमारे मन में जो कुछ होता है, किसी जमाने में वो पवित्र था, अच्छा था, प्रभु के प्रति समर्पित था, वो धीरे धीरे बुरा होने लगता है, वो अशुद्ध होने लगता है, वो अपवित्र होने लगता है। प्रभु ने कहा कि देखो मनुष्य, मैं आमने सामने उसको दर्शन देता हूँ, मैंने उसके लिए आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मैंने उसकी मेहनत के बिना इस संसार के सबसे अच्छे फल के पेड़ उसको लगा कर दिए, उसको स्वास्थ्य दिया, उसको इतना हेल्थ दिया या स्वास्थ्य दिया कि 9-9 साल तक वो बहुत ही स्वस्थ तरीके से जीता है। इसके बाद भी उसके मन में बुराई ही बुराई है, क्या बात है? इसके लिए इलाज करना चाहिए। देखिए, मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं कि प्रभु मनुष्य को जो कुछ चाहिए हर चीज का इंतजाम करते हैं, लेकिन प्रभु मनुष्य से एक बात की उम्मीद करते हैं और वो उम्मीद ये है कि हम प्रभु के प्रति भय और भक्ति के साथ एक भला जीवन बिताएंगे। लेकिन यदि हमारा सोचने का तरीका ही बुरा हो जाए तो कर्म कैसा होगा? हम जो कर्म करते हैं वो हमारे सोचने पर, सोच पर डिपेंड करता है। यदि मनुष्य का सोच ही बिगड़ जाए तो कर्म तो बुरा ही होगा। और यदि प्रभु के बच्चे जिन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए उन लोगों की संगति करेंगे तो सोच बिगड़ जाएगी, और सोच बिगड़ जाएगी तो कर्म बिगड़ जाएंगे, और कर्म बिगड़ जाएंगे तो मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। प्रभु ने कहा था कि मनुष्य को भला करना चाहिए, लेकिन भला करने के बदले ही वो बुरा सोचे, बुरा करे तो उसकी सजा तो उसको मिलेगी। प्रभु ने सोचा कि मैं मनुष्य को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, उसे पृथ्वी से मिटा डालूंगा। देखिए, जब हमको जो कुछ चाहिए वो सब प्रभु ने अपनी तरफ से बनाकर जो सर्वोत्तम है वो दिया, तो उसके बाद प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि हम प्रभु के प्रति समर्पण के साथ जीवन बिताएंगे। लेकिन यहाँ एक बुराई, दूसरी बुराई, तीसरी बुराई, इसने शादी की, उसने शादी की, और जो भी कर रहा है वो ऐसे लोगों से शादी कर रहा है जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, और उसके बाद उनके सोचने का तरीका सीख रहा है, और उसके मन में जो कुछ होता है वो सब बुरा है, और उसके बाद जो कुछ कर रहा है वो सब बुरा है, तो मैं इनको सजा दूंगा। और प्रभु ने क्या बोला? मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा दूंगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, प्रभु एक तरफ से करुणा दिखाते हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम प्रभु की करुणा के अनुसार प्रभु के प्रति भय, भक्ति और पवित्रता दिखाएंगे, और नहीं दिखाएंगे तो प्रभु सजा भी देते हैं। लेकिन सजा देने से पहले प्रभु हमको असीमित प्रेम दिखाते हैं और हमको हमेशा जीवन में पलटने का, पश्चाताप करने का अवसर देते हैं। देखिए प्रभु ने क्या किया। उत्पत्ति 6:8 में हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह आज से लगभग 5000 साल पुराना एक नाम है, आजकल ऐसे नाम नहीं चलते, लेकिन जैसा मैंने लास्ट क्लास में याद दिलाया था
बाइबल इब्रानी भाषा में लिखा गया था, इब्रानी भाषा में उस समय के उस कल्चर में वो लोग जो कॉमन नाम यूज़ करते थे उसमें से एक नाम है ये, नूह नाम का एक व्यक्ति था। प्रभु का कहना ये है कि देखो यहाँ हर व्यक्ति बुरा सोच रहा है और प्रभु के विरुद्ध काम कर रहा है, लेकिन उसके बीच में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कोई काम नहीं कर रहा है, जिसके सोचने का तरीका एकदम से सही है और जिसका जीवन एकदम से पवित्र है, उसके बारे में प्रभु ने बोला है। देखिए प्रभु ने 9वें पद में लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था, मतलब पवित्र पुरुष था, और अपने समय के लोगों में खरा था, मतलब उसमें किसी तरह की कोई भी बुराई नहीं थी। 2000 के नोट मार्केट में आ गए हैं ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन आपको ये बात पता चल गई है क्या, 2000 के खोटे नोट भी आ गए हैं, लोगों ने फोटोकॉपी करके कलर फोटो करके 2000 के नकली नोट चलाना शुरू कर दिए हैं, उसको हिंदी में अपन खोटा सिक्का या खोटा नोट बोलते हैं। नूह के बारे में प्रभु का कहना है कि नूह अपनी पीढ़ी में खरा था, मतलब ओरिजिनल था। यदि नूह ओरिजिनल था तो उसका मतलब है कि उसके चारों तरफ ऐसे लोग थे जो ओरिजिनल नहीं थे, ये खरा था तो बाकी सब खोटे थे। इससे हम एक बात और सीखते हैं, चाहे मेरे आसपास 10,000 लोग हों और ये 10,000 अशुद्धि में और पाप में अपना जीवन क्यों ना बिता रहे हों, लेकिन यदि मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूं तो मैं पवित्र जीवन बिता सकता हूं। ऐसा ही नूह के साथ था, और नूह के बारे में ये गवाही किसी मनुष्य ने नहीं दी है, प्रभु ने स्वयं ये गवाही दी है कि अपनी पीढ़ी में, उस पीढ़ी के बारे में प्रभु ऑलरेडी बोल चुके थे कि उस पीढ़ी में मनुष्य जो कुछ सोचता है वो बुराई, और सोचता बुरा है तो करेगा कि अच्छा करेगा क्या, जब सोचता ही बुरा है तो उसके कर्म बुरे होंगे। तो ऐसी पीढ़ी में जहां सबके कर्म बुरे थे, उस पीढ़ी में नूह इन खोटे लोगों के बीच में खरा था, फेथफुल था, शुद्ध था, उसका जीवन पवित्र था। प्रभु ने कहा मैं उस मनुष्य को बचाऊंगा। इतना ही नहीं, यहां यह भी लिखा हुआ है कि नूह प्रभु के साथ साथ चलता था। साथ साथ चलता था के क्या मतलब है, कि अपने प्रतिदिन के जीवन में वो इस तरह का ही जीवन बिताता था जिस तरह का जीवन प्रभु उससे चाहते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं आज जहां चारों तरफ हर कोई प्रभु के विरुद्ध ही विरुद्ध जा रहा है, अशुद्धि ही अशुद्धि है। प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम शुद्ध जीवन बिताएंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में शुद्ध और पवित्र जीवन बिताएंगे। सिर्फ नूह नहीं, प्रभु ने नूह के बच्चों के बारे में भी बोला है कि नूह के 3 बेटे थे, ये हम 10वें पद में देखते हैं। एक का नाम था शेम, दूसरे का नाम था हाम, तीसरे का नाम था याफेत। इस तरह के नाम भी आजकल चलते नहीं हैं, लेकिन ये 5,000 साल पुराने, यहाँ से हजारों साल दूर एक कल्चर के लोगों के नाम ही, ये बात मैं याद दिला दूं। प्रभु ने नूह को बुलाया, 13वें पद में हम देखते हैं, पर प्रभु ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का समय मेरे सामने आ गया है। क्यों? इसलिए कि सारी पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि, इस संसार को अच्छा बनाने के लिए किया था, पवित्र बनाने के लिए किया था। प्रभु चाहते थे कि मनुष्य प्रभु की निकटता में रहे, लेकिन मनुष्य के सोचने का तरीका बुरा हो गया, उसके कर्म बुरे हो गए, और अब एक चीज और हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी उपद्रव से भर गई। उपद्रव से भर गई का मतलब है कि अब तो चोरी, लूटपाट, हत्या सब फैल गया था। तब प्रभु ने अपने दास नूह को एक आज्ञा दी, तू लकड़ी का एक जहाज बना। याद रखिए उस समय लोहा नहीं होता था, स्टील नहीं होता था, इस तरह की चीजें नहीं होती थी, और अभी भी इवन लकड़ी से बड़े बड़े नाव बनते हैं। बल्कि यदि आप जानते हो तो गुजरात इलाके में छोटे प्रकार के जहाज होते हैं जिनको ढो कहा जाता है, और इन जहाज़ों पर अभी भी गुजरात से सीमेंट, टायर
ईंट यहां से अरेबिया में ले जाया जाता है। मैं जब यूएई में था तब वहां जो ढो बंदरगाह है वहां शाम को जब हम जाते थे तो सैकड़ों इस तरह के लकड़ी के बने हुए जहाज गुजरात से आए हुए वहां लंगर डाले हुए पड़े रहते थे। किसी से सीमेंट उतर रहा है, किसी से टायर उतर रहा है, किसी से ईंट उतर रहे हैं। तो लकड़ी से बहुत बड़े जहाज बनाए जा सकते हैं, ये बात मैं आपको याद दिला दूं। प्रभु ने नूह से कहा कि वो इतना बड़ा जहाज बनाए जिसके अंदर नूह, उसके तीन बेटे, नूह की पत्नी और बेटों की पत्नियां, ये आठ लोग, और पृथ्वी से हर जंतु का एक नर और मादा उस जहाज के अंदर जाकर बच सके। प्रभु ने उस जहाज की लंबाई और चौड़ाई बताई है जो मैं आपके सामने पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बाइबल में देख लें। लेकिन ये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये जहाज इतना बड़ा था कि शायद आप में से किसी ने इतना बड़ा जहाज नहीं देखा होगा। यहाँ कोचिन में वो थोड़ा सा दक्षिण की तरफ चले जाएं तो वहाँ बीच बीच में ऑयल टैंकर आते हुए दिखाई देते हैं जो अपने आप में बहुत काफ़ी सारा ऑयल लाकर वहाँ पर पंप करते हैं। यह जहाज़ कुछ भी नहीं है। नूह ने लकड़ी से जो जहाज़ बनाया था वो इन जहाज़ों से जो आपने बड़े से बड़े देखे होंगे उससे 10 या 20 गुना बड़ा जहाज़ था। आप पूछेंगे कि कैसे बनाया होगा। पुराने ज़माने का मनुष्य जो हमसे 100 गुना ज़्यादा जीव 10 गुना ज़्यादा जीवित रहता था, जो हमसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, वो बड़े आराम से हमसे 10 गुना ज़्यादा काम भी कर सकता है। और नूह जैसा व्यक्ति 100 अपने लिए नौकर लगा सकता है। इस तरह से उसने बनाया और फाइनली क्या हुआ? अब ये एक विशेष बात है। अगले अध्याय के 11वें पद में हम देखते हैं नूह की अवस्था के 600 साल जब हुए तब वो लोग जहाज के अंदर गए। 600 साल उम्र के किसी को आपने नहीं देखा होगा। आजकल दुनिया में जो सबसे बुजुर्ग है जो जापान में है, पिछले दिनों शायद 116 या 117 साल उसकी उम्र हुई है। 120 से ज़्यादा जनरली कोई जीवित नहीं रहता है। लेकिन नूह बाबा 600 साल की उम्र के थे, हट्टे कट्टे थे, जहाज बनाया। प्रभु ने जब बोला तो परिवार के साथ जहाज में गए, जहाज को बंद किया, सारी दुनिया के सारे नर और मादा एक एक करके एक एक जोड़ा लिया जिससे कि आगे उनका वंश चल सके, और उसके बाद पानी आने लगा। आप एक प्रश्न पूछेंगे कि दूसरे लोगों का क्या हुआ, जिन लोगों ने जो लोग जहाज के बाहर थे, उसके बारे में प्रभु के वचन के उत्तरार्ध में या नए नियम में हम पढ़ते हैं कि बहुत ही धीरज के साथ, एक तरफ जहाज बन रहा था तो नूह दूसरी ओर लोगों के बीच में जाके प्रचार कर रहा था, ये अधर्म छोड़ दो, जीवन में जो अशुद्धता है उसको छोड़ दो, प्रभु की तरफ मुड़ जाओ, प्रभु को ग्रहण करो, नया जीवन पाओ, और प्रभु इस संसार को नाश करने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया उन लोगों के लिए प्रभु ने उद्धार के लिए ये अति विशाल जहाज बनाया है, इसमें जाओ, इसमें आ जाओ। यहां सबका स्वागत है। नए नियम में ये बात डिटेल में कही गई है कि बहुत ही धीरज के साथ। धीरज का मतलब क्या है? आज प्रचार किया और सब लोग मजाक करने लगे, अरे नूह बाबा जो है इनका दिमाग खराब हो गया है, पानी बरसेगा, अरे किसी ने पानी बरसते हुए देखा है क्या? 1 इंच पानी में नूह बाबा का 1,00,000 टन का जहाज जो है वो तैरने लगेगा। उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, प्रभु के वचन से हम देखते हैं कि एक प्रभु ने काफी लंबा समय दिया था, और उस लंबे समय के दौरान हर जगह जाकर नूह ने प्रचार किया। और मुझे यकीन है कि नूह ने अपने बेटों से भी कहा होगा कि जाओ प्रचार करो। कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों ने मजाक किया,
कि बाबा जी बूढ़े हो गए हैं, इनके यहां से कुछ टेढ़ा हो गया है या ढीला हो गया है। जहाज पूरा हो गया, सब लोग जहाज के अंदर गए, आखिरी मौका था। उस समय भी यदि कोई दौड़ के यदि बोलता कि बाबा मुझे अंदर ले लेना, तो नू उसको लेता या नहीं लेता? देखिए, बिल्कुल लेता, क्योंकि प्रभु की इच्छा खत्म करने में नहीं है, प्रभु की इच्छा जीवन दान है। लेकिन लास्ट मिनट तक भी कोई नहीं गया, सब लोग जहाज के अंदर गए, जहाज जो है बंद हो गया। और प्रभु के वचन के उत्पत्ति के 7वें अध्याय के 11वें पद में हम देखते हैं नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन में गहरे समुद्र के सोते फूट निकले, आकाश के झरोखे खुल गए और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा। तुम लोगों ने केरल का बरसात तो देख लिया है ना, एक से ज्यादा बार देख लिया होगा, है ना? ये कुछ भी नहीं है, केरल में पानी ऐसा नहीं बरसता है, आजकल पानी नहीं बरस रहा है। असली पानी जब बरसता है तो लोगों की इच्छा होती है सूरज देखने की, ऐसा पानी बरसता है केरल में। एक दिन जब केरल में इस तरह से पानी बरसता है तो धूप देखने की इच्छा हो जाती है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम जो केरल के बाहर के हो, तुम लोगों ने अभी तक केरल का असली पानी भी नहीं देखा है, और केरल में जो बिजली कड़कती है वो भी तुम लोगों ने नहीं देखा है। ये पानी है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 40 दिन तक पानी नहीं बरसा, 40 दिन तक प्रलय हुआ। मतलब ऐसी भयंकर ऐसे भयंकर तरीके से पानी गिरा, आंधी आई, तूफान आया, बिजली कड़की, जिसको हम प्रलय शब्द का क्या मतलब है, जब हर चीज खत्म हो जाता है। ऐसा भयानक पानी बरसा नॉनस्टॉप 40 दिन। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जहाज उठने लगा। डिटेल्स आज मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उत्पत्ति 6:7-8 में जरा आप पढ़ के देख लीजिए। जहाज उठकर पानी में तैरने लगा और एक बहुत बड़े पहाड़ पर चला गया। जहाज को यदि पानी में अपने आप जाने दें तो वो हमेशा पानी की दिशा में जाता है और फाइनली ऐसी जगह जाकर टिक जाता है जहां उसको टिकने के लिए कोई आसरा होता है। 23वें पद में हम देखते हैं 7वें अध्याय के, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, जो कोई भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मर मिटे। सिर्फ नूह और जितने उसके साथ जहाज में थे, सिर्फ वो लोग बच गए। क्या समझते हैं प्रभु का वचन, ये जो इतिहास हमको देता है, इससे हमने क्या समझा? 3 बातें मैं याद दिलाना चाहता हूं। नंबर 1, जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके जो व्यक्ति प्रभु की संतान बन गया है, उसको अपना जीवन जो है वो पवित्र बिताना चाहिए, उसको अपनी संगति के लिए और खासकर विवाह के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर पा लेना चाहिए जो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जानता है। नहीं तो क्या होगा, आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं, आप जिससे शादी करते हैं वो तो प्रभु को जानता नहीं है, ये जानती नहीं है। सुबह से शाम तक घर में जो है चिल्ल पो, झगड़ा, गाली गलौच, उल्टी सीधी बातचीत, बिना प्रभु में आश्रय के बातचीत। एक तरफ आप सुबह सुबह उठ के ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी पत्नी, आपका पति सुबह से जो है चिल्लाए हुए है, सर अपने घर के ऊपर घर अपने सर के ऊपर उठाए हुए है। शांति के साथ कोई व्यक्ति ऐसे घर में, ऐसे माहौल में प्रार्थना कर सकता है क्या? प्रभु का वचन पढ़ सकता है क्या? शांति से कुछ सोच सकता है क्या? आज उत्पत्ति 6 में हमने देखा परमेश्वर के पुत्रों ने परमेश्वर की पुत्रियों से विवाह करने के बदले मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया, सब गड़बड़ हो गया। मेरे और आपके लिए आज जो पोर्शन हमने पढ़ा है,
इसमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन यह है कि जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसे अपने जीवन साथी के रूप में ऐसे ही लोग व्यक्ति को चुनना चाहिए जो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जान चुका हो। उसके साथ साथ हमको जीवन में संगति के लिए भी इस तरह के लोगों को चुनना चाहिए जो उसी तरह से हमारे साथ बात कर सकते हैं जिस तरह से हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार है या बात करना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रभु के वचन से आज हमने देखा कि मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, पर प्रभु के पुत्रों की जिम्मेदारी थी कि वे प्रभु की पुत्रियों से विवाह करें, नहीं किया। फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? उनका सोच गड़बड़ हो गया तो उनका कर्म गड़बड़ हो गया तो सारी पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत बुरी तरह से हर तरह के अपराध होने लगे, प्रभु नाराज हो गए। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, इस कारण प्रभु ने उनको सजा दी। तो आज हमने जो प्रभु के वचन से जो हिस्ट्री या जो चरित्र पढ़ के देखा उसमें से दूसरा पाठ ये है कि मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। लेकिन आज हमने जो देखा उसमें एक तीसरा पाठ भी है कि हमारे आसपास कितनी भी अशुद्धि हो, यदि उस अशुद्धि के बीच में हम अपने आप को बचा कर रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें, तो प्रभु की जिम्मेदारी है कि वे हमको सुरक्षा प्रदान करें। कई बार जो लोग अपने जीवन में पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, झूठ बोलना पसंद नहीं करते, चोरी चपाटी पसंद नहीं करते, हमारे साथियों के जो बुरे कर्म है उसमें साथ नहीं देते, साथी कई बार नाराज हो जाते हैं, वो कई बार बुरा भला कहते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा बुरा करते हैं। लेकिन इन सब बुराइयों के बीच में हमारी सुरक्षा करना प्रभु की जिम्मेदारी है और प्रभु हमारी सुरक्षा निश्चित रूप से करेंगे। इन तीन बातों के साथ साथ एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आज जितने भाई बहन मेरी वाणी सुन रहे हैं, इनमें से यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, देर मत कीजिए। यदि कोई आपको बता रहा है कि आपकी लॉटरी निकली है, टिकट आपकी जेब में पड़ा हुआ है, तो आप में से ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उस टिकट को लेकर अपना लॉटरी क्लेम करने के लिए नहीं जाएगा? अरे कोई बेवकूफ होगा जो क्लेम करने के लिए नहीं जाएगा? सारी दुनिया पैसे के लिए मर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी मरें, नहीं, पैसे की जरूरत हर एक को है। और जब आपको घर आकर पैसा मिल रहा है, आप उसको, कौन व्यक्ति है जो उसको मना करेगा? मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोज जाके लॉटरी लिया करें, विश्वासी को लॉटरी नहीं लेनी चाहिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ कि बाई चांस लॉटरी निकल गई तो ऐसा है क्या कोई बेवकूफ जो उसको पैसे को भुनाएगा नहीं? लेकिन जब यहाँ पर प्रभु आपको अपने स्वयं के प्रभु यीशु के सूली पर के बलिदान के द्वारा आपको अनंत जीवन, कभी ना समाप्त होने वाला शाश्वत जीवन प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रभु के पास आकर बोलिए, प्रभु मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मैं पापी हूँ, आपने मेरे पाप के लिए प्रायश्चित किया, मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ, ये तीन वाक्य बोलिए, प्रभु आपको मुक्ति प्रदान करेंगे।